लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवाब मलिक हाय 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 हाय, नवाब मलिक बाय हाय 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 हाय। अरे नवाब मलिक चक्कर आए चक्कर, शरद पवार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राजीनामा दे, नवी मुंबई बीजेपी ने आज एनसीपी खेमे के मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार नवाब मलिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। वाशी में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाविकास आघाड़ी सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताते हुए जमकर नारेबाजी की। यहाँ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और पूर्व मेयर सागर नाइक ने कहा कि देश के गद्दारों को मदद करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि जिस सरकार के गृह मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग मंत्री और कई पुलिस उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस पर तत्काल निर्णय लेने का भी आह्वान किया। आइए सुनाते हैं बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। या महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री नवाबजी मलिक यांच्यावरती ईडी ने कारवाई के लिए, ईडी ने कारवाई ही कुठल्या छोट्या मोट्या भ्रष्टाचारासाठी नाही, तर एक देशद्रोही कृत्यामध्ये अटकलेल्या व्यक्तींच्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या केसमध्ये त्यांची तपासणी केलेली आहे, चौकशी केलेली आहे। आपल्या देशावरती झालेला हा हमलाच होता आणि आता अटक केलेली आहे। तर हे जे सरकार आहे, सरकारचं पद हे कुठल्या पक्षाचं नसतं, हे नागरिकांचं असतं आणि त्या पदावरती कुठल्याही डागललेल्या व्यक्तीने राहणं हे उचित नाही। पद आहे मंत्रालयामध्ये आणि व्यक्ती जे आहेत ते तुरुंगात आहेत, अशा प्रकारचं चित्र हे महाराष्ट्रासाठी शोभनीय नाही। त्यामुळे अशा प्रकारच्या व्यक्तीने त्यांना अशा पदावरती ते राहण्याचा कुठलाच अधिकार नाही, त्यांचा आम्ही निषेध करतो। एक मंत्री गृहमंत्री अंदर आहे, दुसरे मंत्रीने आपला दूसरा मंत्री जो है वो एक औरत के हत्या में बाहर निकल गया। कोई पुलिस कमिश्नर है जो वांटेड था, उसका इंक्वायरी शुरू है। एक पुलिस इंस्पेक्टर है वो तो बहुत दिनों से अंदर है। शिवसेना के एक मिनिस्टर ने अपना केंद्रीय एससीजेट ने उसका बंगला तोड़ने के आदेश दिए हुए कि इस सरकार को भी जरा भी इस सरकार में रहने का अधिकार नहीं, इन्होंने ये सब सरकार छोड़ना चाहिए। नवाब मलिक जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अभी लगभग 24 घंटे हो गए, आज तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कोई भी अपनी भूमिका ये स्पष्ट नहीं की है। दूसरा कारण ऐसा है कि महाराष्ट्र के कोई भी शिवसेना के नेता आज महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने आंदोलन करने के लिए गए नहीं, एक दो छोड़ के। यानी मैं ये इसकी खुशी जता रहा हूँ कि महाराष्ट्र की शिवसेना का जमीर आज भी जिंदा है, और वो जिंदा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि मुंबई के बॉम्ब स्फोट में कैसे निर्मम हत्या की गई थी 257 लोगों की, और उन सब लोगों की जाने जाते हुए तड़पते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने देखा हुआ है। और इसलिए महाराष्ट्र की शिवसेना जो है वो कभी ऐसे हत्यारे के साथ घूमने वाले नवाब मलिक के बाजू में खड़ी नहीं होगी, ये मेरी भूमिका है। अगर आप बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक है तो आप नवाब मलिक के फेवर में आ ही नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। नवाब मलिक हाय 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 हाय, नवाब मलिक बाय हाय 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 हाय। अरे नवाब मलिक चक्कर आए चक्कर, शरद पवार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राजीनामा दे, राजीनामा दे, नवाब मलिक राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे।